छप्पन इंच सीना बोल के जो मोदी जी बोल रहे थे, ये 56 इंच सीना नहीं है, ये फुग्गा है जिसमें हवा भरी हुई है, ये फुग्गा फूट गया है। जो सेक्सुअल हैरासमेंट का एक्यूज्ड एमपी है, जो ऑलरेडी डी गैंग के साथ अटैच, इसके लिंक पहले ही ऑलरेडी टाडा में एक्यूज हो चुका है, जो एक्वेट हुआ है वही केस में, ऐसे आदमी को दाऊद इब्राहिम गैंग से जो कनेक्टेड आदमी को बचाने मोदी गवर्नमेंट आज खड़ी है। ये कहा जा सकता है कि कल राजतंत्र ने भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। जैसे कि कल दिल्ली में जो वुमेन रेस्लर्स के साथ और जो उनके सॉलिडेरिटी में जो पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने पुलिस के ज़रिए अटैक करके अरेस्ट करवाया है, ये कहा जा सकता है कि कल राजतंत्र ने भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्योंकि जिस तरीके से कल दो इवेंट एक मेजर रहे, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का मोदी जी का वहाँ पे जाना और हाथ में जो राजदंड पकड़ना, ये जो पुरानी तानाशाही हुकूमतों की निशानी है, वो तानाशाही हुकूमत की हरकत करते हुए कल बीजेपी सरकार ने इस भारत देश में, स्वतंत्र देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। और हम इस जमन में जो आज यहाँ पे गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर CPIM गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जो आज एक प्रोटेस्ट रखा था, ये प्रोटेस्ट का वजह ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन रेसलर्स के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट और जो रेप केसेस का जो एक्यूज्ड है, जो कि बीजेपी का MP ब्रिजभूषण सिंह, जिसके ऊपर पहले दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ इन्वॉल्वमेंट में रहा हुआ ये आदमी, जिसके ऊपर टाडा केस लगा था, जो एक्वेट हुआ हुआ है, ये डी गैंग के आदमी का जो MP बना हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, इसको बचाने के लिए जो मोदी सरकार जो आज ये काम कर रही है, भारत की जनता ये अच्छे से देख रही है। जो मोदी का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन नहीं था, बल्कि भारत देश की जनता को ये मनुवादी बीजेपी गवर्नमेंट की वार्निंग थी कि तुम अपनी बेटी हमसे बचा के बताओ, तुम हम अपनी बेटी को हमारे हुकूमत में पढ़ा के बताओ। क्योंकि जब हिजाब का इशू देखेंगे आप, हिजाब का मुद्दे में क्या हुआ, लड़कियों को बेटियों को पढ़ने से रोका गया। आज हम जब वुमेन रेस्लर्स में जब देख रहे हैं जो बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, ये इससे पहले भी केस देखा जा चुका है, जो बच्ची आसिफा के केस में जो बीजेपी का लीडर इन्वॉल्व था, तब भी ये बीजेपी वाले रैली निकाल कर वो बलात्कारी के सपोर्ट में खड़े रहे। आज ये बीजेपी गवर्नमेंट एक बलात्कार के एक्यूज MP की ताइद में उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है, और इंसाफ मांगने वाली इस देश की बेटियों को जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अरेस्ट कर रही है। इससे बड़ी ये शर्म की बात क्या होगी कि एक मनुवादी गवर्नमेंट बाबा साहब के दिए हुए संविधान के विरोध में जाते हुए काम कर रही है। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट करना चाहिए, वो इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता क्योंकि सिर्फ वो एक महिला है। तो ये एंटी वुमेन एजेंडा जो मनुस्मृति का है, जो ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा का मनुवादी एंटी वुमेन एजेंडा है, ये पूरी तरह आज भारत में ही नहीं, आज इंटरनेशनली ये हिंदुत्व एक्सपोज हो गया। आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर CPIM डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जो प्रोटेस्ट किया, यही डिमांड के साथ किया कि जो कल जिस तरीके से वुमेन रेसलर्स को अरेस्ट करने के लिए जेंट्स पुलिस लगाई गई, ये सरासर एंटी वुमेन नहीं है, बल्कि गैर कानूनी इल्लीगल हरकत करी है बीजेपी गवर्नमेंट। ये इसके ऊपर वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट
जो बलात्कारी एक्यूज्ड है, जो सेक्सुअल हैरासमेंट का एक्यूज्ड एमपी है, जो ऑलरेडी डी गैंग के साथ अटैच, इसके लिंक पहले ही ऑलरेडी टाडा में एक्यूज्ड हो चुका है, जो एक्विट हुआ है वही केस में, ऐसे आदमी को दाऊद इब्राहिम गैंग से जो कनेक्टेड आदमी को बचाने मोदी गवर्नमेंट आज खड़ी है, तो ये देश के लिए भी शर्म की बात है और बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी शर्म की बात है। और जो 56 इंच सीना बोल के जो मोदी जी बोल रहे थे, ये 56 इंच सीना नहीं है, ये फुग्गा है जिसमें हवा भरी हुई है, ये फुग्गा फूट गया है। आज जनता को समझ में आ गया ये हुकूमत जन विरोधी, महिला विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी, ये सारी चीज़ें ये हुकूमत की जो फासीवादी ताकत हुकूमत है, यह जनता ने देख लिया है। इसका मुंह तोड़ जवाब जैसे कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में जनता ने बीजेपी का सफाया करके दिया है, आने वाले जनरल इलेक्शन में हिंदुस्तान से, भारत से पूरा बीजेपी का सफाया करके ये खिलाड़ियों के साथ हो रही उम्र औरतों के साथ हो रही अत्याचार का बदला पूरी तरह जनता लेगी। थैंक यू।